स्वागत है आपका स्टडी टाइम चैनल में फ्रेंड्स। वैसे तो भारत में बाबर की जो प्रमुख लड़ाई जो थी वो थी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, परंतु इसके पहले 1519 से 1525 के बीच उसने भारत में 5 बार आक्रमण किए, जिन्हें प्रारंभिक आक्रमण या अन्वेषणात्मक या संवेशी धावे कह सकते हैं। सर्वप्रथम उसने 1519 में आक्रमण कर बाजौर और बेहरा या मीरा पर कब्जा किया और लौट गया, परंतु उसके पलटते ही निगाह पलटी कि माल यारों का वाली बात हो गई, अर्थात उसके लौटते ही उसके द्वारा विजित प्रदेश उसके हाथ से चले गए। उसी वर्ष वह पुनः आया, परंतु पेशावर से ही लौट गया क्योंकि उसी समय बदश खां में उपद्रव हो गया था। 1520 में तीसरी बार उसने पंजाब में प्रवेश कर सियालकोट और सैयदपुर को जीता। संभवतः वह आगे बढ़ता पर कंधार के शासक शाह बेग अरगुन की बगावत ने उसे वापस स्वदेश लौटने को बाध्य कर दिया। 1524 में उसने चौथी बार आक्रमण कर लाहौर और दीपालपुर तक के प्रदेशों को अपनी खूनी पंजों में धर दबोचा। फिर उसने पंजाब को इब्राहिम के चाचा आलम खां और दौलत खां के पुत्र दीवालर खां के अधीन कर दिया और स्वयं काबुल वापस चला गया। दौलत खान ने पंजाब वापस ले लिया और भारतीय नेताओं ने समझ लिया कि बाबर के चले जाने के बाद राजनीतिक क्षितिज पर शांति आ गई, लेकिन यह शांति तूफान के पहले की शांति थी जिसके बाद भयंकर तूफान आने ही वाला था। अब हम बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। पंजाब को अधीन बनाकर बाबर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। इब्राहिम लोदी बाबर के इरादों को समझ रहा था। उसने अपने सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी सेना में 12,000 सैनिक थे, जबकि रशबुक विलियम्स ने 8,000 सैनिकों का जिक्र किया। शायद सेना में वृद्धि हो गई। AL श्रीवास्तव के अनुसार बाबर की सेना में करीब 20,000 सैनिक थे। इब्राहिम सैनिकों की संख्या कुछ इतिहासकारों द्वारा बड़ा चढ़ा कर बतलाई गई है। कहा जाता है कि इब्राहिम की सेना में 1,000 हाथी, 1 लाख सैनिक थे। वास्तविकता यह लगती है कि उसकी सेना में करीब 40,000 सैनिक ही थे। दोनों ओर की सेना की वास्तविकता संख्या जो भी हो, परंतु यह तय है कि इब्राहिम की सेना की संख्या बाबर की सेना की संख्या से ज्यादा थी। परंतु बाबर एक कुशल एवं अनुभव सेनानायक था। उसने 700 गाड़ियों को पंक्तियों में सैनिकों के आगे लगा दिया। उसके बीच में सैनिकों को जाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी गई। वह अपने साथ 700 तोपे लाया था, जिनका उसने यहाँ अच्छा प्रयोग किया। तुर्क तोपची उस्ताद अली को दाहिनी और तथा मुस्तफा को बाईं ओर खड़ा किया। सेना के केंद्र स्थल पर बाबर स्वयं रहा। उसने अपनी सेना के दाहिने अंग को कटे वृक्षों तथा मिट्टी की दीवारों से सुरक्षित किया। सेना में उसने तुल गुमा प्रणाली का प्रयोग किया। 20 अप्रैल 1526 की रात्रि को बाबर ने अपने लगभग 5,000 सैनिकों को अफगानों पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु उन्हें सफलता न मिली। इस पर 1 अप्रैल 1526 को पानीपत के विख्यात मैदान में दोनों की सेनाओं में मुठभेड़ हुई। बाबर के बुद्धिपूर्ण युद्ध रचना के समक्ष इब्राहिम लोदी की एक न चली। बाबर के बारूद खाने ने इब्राहिम के सैनिकों में हलचल मचा दी। कुछ ही घंटों के अंदर इब्राहिम की जबरदस्त फौज भू लंठित हो गई और इब्राहिम स्वयं लड़ता हुआ मारा गया। बाबर ने विद्युत गति से दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। यह पानीपत की प्रथम लड़ाई थी, जिसका मध्यकालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह विजय उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव का पत्थर गाड़ दिया। दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेने के बाद बाबर ने इब्राहिम की माता के लिए एक दुर्ग और एक परगना दे दिया। प्रत्येक अमीर को, यहाँ तक कि तुच्छ सेवकों को भी बाबर के विजय के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ इनाम अवश्य दिया। इतना ही नहीं, बाबर ने फरगना, खुरासान तथा ईरान में रहने वाले मित्रों को भेंट के रूप में बहुत सा धन भेजा। काबुल के प्रत्येक पुरुष और स्त्री, स्वतंत्र अथवा गुलाम, युवा अथवा वृद्ध को एक एक चांदी का सिक्का विजय के उपलक्ष्य में मिला। बहुत सा धन उसने सेना तथा प्रशासन के लिए राजधानी के तहखानों में सुरक्षित रखवा दिया और उसने अपनी सभी बेगमों को संतुष्ट रखने का पूरा पूरा ध्यान रखा। तो फ्रेंड्स, ये था बाबर का प्रथम जो है एक प्रकार से एंट्रेंस। और इस युद्ध के बाद जो निर्णायक स्थिति ये रही कि मुगलों का भारत में आधिपत्य हो गया। और अब तक की जो बाबर जो था वो छोटा मोटी लड़ाइयां करके, लूटपाट करके यहाँ से चला जाता था। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बाबर जो था वो एक महान विजेता था, साम्राज्य निर्माता नहीं है। और यू कैन से बाबर वॉज अ ग्रेट कॉन्करर बट नो
एम्परर बिल्डर, और यू कैन से एम्पायर बिल्डर। तो ये कहां तक सही है, लेकिन इतिहास तो यही जानता है कि बाबर के आने से ही मुगलों की यहां पर उत्पत्ति हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।